हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है 3:30 बजे से दोपहर के, और मैं और पीहू जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि आज है हमारा कॉफ़ी पीने का मन और मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही थी, तो मैंने ही कहा कि अब तक बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो तो कॉफ़ी पी लो। तो यहाँ ओमेक्स वाली शॉप पर तो कॉफ़ी नहीं मिली, फिर हम ना गुलाब नगर चौक से जा कर के ना कॉफ़ी लेकर आए। मैं और पीहू निकल गए थे एंड फिर उसके बाद आकर हमने कॉफ़ी बनाई और पीहू ट्यूशन चली गई। कॉफ़ी बहुत ही अच्छी बनी थी, थोड़ी सी मीठी थी, बट मम्मी फिर भी कह रहे थे कि बहुत फीकी है कॉफ़ी, तो वही बीपी की प्रॉब्लम ही थी मम्मी की। और वैसे भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा चेस्ट में पेन है, तो मैंने भी कहा कि चलो दवाई ले आओ, ऐसे तो कोई ठीक नहीं होगा। और पापा भी बोलकर गए थे कि आज मेडिसिन ज़रूर लेकर आना। आज सुबह से ही प्रॉब्लम थी, मम्मी को थकान महसूस हो रही थी इसीलिए। और ये देखिए, मैं अपना यहाँ पर कॉफ़ी की तैयारी कर रही हूँ और दूध रख दिया है मैंने वहाँ गैस पर गर्म होने के लिए। ब्लेंडर हमारा ख़राब हो गया था, वरना उसके साथ तो बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनती है झाग वाली, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ कॉफ़ी। अब इसको फेंट लूँगी। और वैसे कॉफ़ी बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे तरीके वायरल हैं, बट मैं ये चीनी और कॉफ़ी पाउडर मिक्स कर लूँगी बैठकर। उधर दूध गर्म हो रहा है और मैं ना बाद में ये कॉफ़ी इसमें डालकर ना बंद करके गैस को, ये वाले मिक्सचर कॉफ़ी का, इसमें डाल के ब्लेंडर चला देती हूँ, तो फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। लेकिन ब्लेंडर आज ख़राब था तो ऐसे ही हमें बनानी पड़ी कॉफ़ी। मैंने यहाँ पर ना आपसे बात की थी, पर वो वॉइस रिकॉर्ड हो तो गई लेकिन क्लियरली ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्लियर नहीं थी वॉइस, तो मैं इसलिए यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं बोल रही थी कि आज ना मन नहीं लग रहा, थका थका सा हो रहा है, जैसे रेस्ट करने का मन कर रहा है कि लेट जाऊँ, कोई काम ना करूँ। आज स्टिचिंग वगैरह भी कुछ नहीं की, स्कूल का भी वर्क था थोड़ा सा ना, ORR वगैरह कम्प्लीट करना था क्योंकि रिजल्ट है हमारा अभी अपकमिंग डेज़ में, तो वो भी नहीं करने का मन किया। पता नहीं क्यों इतना टायर्डनेस हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा टूटा टूटा सा जैसे हो नहीं जाता एकदम से, तो मुझे तो लग रहा था मम्मी के साथ साथ मैं भी दवाई लेने चली ही जाऊँ। मैं गई थी पीहू को ट्यूशन लेने के लिए और आते हुए वहाँ से ले आई मैं गोलगप्पे, और अभी हम तीनों खाने वाले हैं। और मैं पहले कान्हा जी का भोग लगाने वाली थी, लेकिन इसमें उसने ना प्याज डाली है, जो ब्रिजवासी होते हैं ना उसके पानी में प्याज नहीं होती, बट इसके आलुओं में भी प्याज मिक्स थी। और बस गोलगप्पे खाने के बाद मम्मी ने कपड़े चेंज किए, मैंने तो चेंज नहीं किया, मैं तो उसी ड्रेस में चली गई थी। हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास क्योंकि मम्मी का शरीर, मैंने बताया था कि थोड़ी थी थकावट लग रही है, मम्मी को भी हिम्मत सी नहीं लग रही शरीर में। और फिर तो मैंने कहा चलो चलते हैं, और आज ना मम्मी ने फ़ोन भी लेना था, बट फिर आइडिया ड्रॉप कर दिया कि श्राद्ध चल रहे हैं, याद आ गया कि श्राद्ध में नहीं लेना है। तो फिर हमने सोचा था कि चलो देख कर आएंगे कौन सा लेंगे और फिर फर्स्ट नवरात्रि को जाकर ले लेंगे, बट डॉक्टर के यहाँ पर ही टाइम लग गया। मम्मी के सारे ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, डॉक्टर कह रहा था कि कल सुबह जाना, मैं कहा सुबह तो नहीं आएंगे, शाम को ही आएंगे। फिर कहता क्या फ़ायदा, फिर दो भी सैंपल दे दो और कल आकर रिपोर्ट ले लें इस टाइम। और ECG अभी चल रही है यहाँ पर मम्मी की, तो सारे आज टेस्ट हो गए, ECG की रिपोर्ट। हम आए हैं डोसा खाकर, मैं और मम्मी एंड पीहू के लिए हम लेकर आए हैं घर पर ही, और पापा के लिए भी, एंड मैं अपने लिए टूथब्रश लेके आई हूँ। तो चलिए मैं पहले ना उसका अनपैक कर देती हूँ, डोसा मैं ही डाल देती हूँ। आलू वाला था तेरा नाना का है, पनीर वाला था, सांबर थोड़ा सा था तेरे पास, तूने उतना का उतना चट भी कर दिया इतनी देर में, इतना था सांबर। कैसा लगा, हाउ वाज द डोसा? एंड बस अब हमने रेस्ट किया, उसके बाद मैंने ना थोड़े से कपड़े प्रेस किए और अब मैं जा रही हूँ छत पर। और छत पर क्या करने जा रही हूँ आपको भी लेकर चलती हूँ साथ में, क्योंकि आपको ऊपर जाकर ही पता लगेगा क्या हो रहा है। मैंने पहले पीहू को बोला कि आजा मेरे साथ, बट पीहू ने आने से मना कर दिया और रात को ही छत के ऊपर जाना पड़ा क्योंकि इमरजेंसी थी। और अब ये ऊपर आ रही है तो मैं इससे पूछ रही थी कि तू क्या करने आ रही है ऊपर, और चलिए। और ना ये लाइट्स देख के ना अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा, ये सीढ़ियों की लाइट, ऐसे फीलिंग आती है कि जैसे ना दिवाली आ गई बस। तो अभी बाहर चलते हैं आपको भी लेकर के साथ में, आपको अपनी छत के दर्शन करवाते हैं रात को अंधेरे में, वो भी दिन में तो कभी आई हूँ चाहे ना आई हूँ। ये कौन इतना ऊपर आए, बस नीचे वाले फ्लोर पे काम होता है, जब फर्स्ट फ्लोर पे ही तभी प्रॉब्लम आ जाती है, सेकंड फ्लोर टॉप आने के। यहाँ देखिए मैं इस पर आई थी, यहाँ पर दिखाऊंगी आगे क्या है रीज़न।
ये रेन वाटर के ना ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पर ना, थोड़ा सा कूड़ा अटक गया था तो पानी ना ऊपर से ना दीवार में से रिस रिस के नीचे गिर रहा था, और इसीलिए वो मैं सेट करने के लिए ऊपर आई थी, इसीलिए मुझे अचानक ऊपर आना पड़ा रात को, क्योंकि वो बंद ही नहीं हुआ। मैं हमने सोचा बारिश तो काफ़ी देर से बंद हो गई है, फिर मम्मी ने कहा कि वो पानी ऊपर जो है वो कूड़ा अटक गया होगा वहाँ पर, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना एक बार पहले भी आई थी। और अब मैं आपको ना अपनी छत दिखा रही हूँ, देखिए रात को मैं कह चलो इतने पानी जाता है ना, इतने मैं आपको यहाँ पर एक बार टूर करवा देती हूँ छत का, और रात को देखिए व्यू कैसा लगता है। पीहू कह रही थी कि नाना आ गए, मैं यही देखने आई थी कि क्या पापा आ गए हैं, बट पापा तो अभी नहीं आए थे, पापा भी थोड़ी देर तक ही आएंगे घर पे। और वैसे तो रात को क्लियरली कुछ विजिबल होगा नहीं, बट आपको मैं आसपास का एरिया दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये हमारा गेट है, और एक तरफ पापा की कार, एक तरफ मेरी कार, और दोनों कितनी अच्छी लग रही है, कितने अच्छे से पोजीशन पे खड़ी हैं दोनों प्रॉपर। ये देखिए कुछ व्यू है रात का छत पर आने के बाद, काफ़ी अच्छा लगता है। और आज मेरे पतिदेव यहाँ नहीं आएंगे, वो जाएंगे आज अपने घर, मैं अपने मायके, वो अपने मायके। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का एंड यहीं पर ही, और ये लॉक कर दिया है मैंने गेट, अब ये लाइट्स वगैरह ऑफ़ करते हैं। और ये ना लाइट्स की प्रॉब्लम है, कोई ना स्विच ना डबल लगे हुए हैं, जैसे जो नीचे से भी ऑन ऑफ हो जाती है और ऊपर से भी, तो मैं और पीहू ना कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे हरे कृष्णा। अपीहू आपको बाय बोलेगी।